यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मेरा नाम वकार आलम तुर्की है और मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने आज तक बीजेपी को कभी वोट नहीं किया और भविष्य की मैं कहता नहीं, पिछले दो बार से नोटा का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन पीछे तीन तलाक को लेकर जो मुहिम बीजेपी सरकार ने छेड़ी और जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने उसको लेकर आगे कदम बढ़ाए, उसकी सराहना मैं ना चाहते हुए भी कर गया, कई बार की, एक बार फिर कर रहा हूँ। लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा में जाकर अटक गया, लेकिन एक जो विल पावर गवर्नमेंट ने दिखाई वो काबिले तारीफ थी। लेकिन एक टीस मेरे मन में थी कि ये आवाज़ मुस्लिमों के अंदर से क्यों नहीं उठी, मुस्लिम मर्दों ने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई, मैंने खुद क्यों ये आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि एक दो बार प्रदर्शन में जाना हुआ गया, लेकिन जिस तरीके से उठानी चाहिए थी शायद मैं उस तरीके से नहीं उठा पाया। और मुस्लिम जो मर्द थे वो तीन तलाक को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव नज़र आए, मुस्लिम नेता उससे ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे और जो धर्म गुरु थे वो उनसे भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आए। अभी हाल फिलहाल में क्योंकि कानून बनने जा रहा है तो कुछ लोगों में बहुत हड़बड़ी है, अजीब सी छटपटाहट है। यूपी के कुछ इलाकों से खबरें आ रही हैं, बरेली से एक खबर आई है, दिल पसीसा जाता है ऐसी खबर सुनकर कि किसी ने ज़रा सी बात को लेकर तलाक तलाक कह दिया, और या फिर गवर्नमेंट से चिढ़कर कि मोदी योगी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तलाक तलाक तलाक। जिस तलाक पर गवर्नमेंट ने चोट की है, तीन तलाक, तलाक बिद्दत इसको कहते हैं, इसके अलावा भी दो तरीके हैं जिससे तलाक दी जा सकती है जो इस्लाम में सही तरीके आप बताए गए हैं। तलाक बिद्दत इसको इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि इस्लाम में बुरा है, तो जो चीज़ इस्लाम में बुरी है अगर कोई गवर्नमेंट उसको ख़त्म करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? सारे मुस्लिम देशों में बैन है, कहीं पर नहीं होती, फिर इंडिया में ही क्यों? क्या वोट बैंक की जो राजनीति राजनेता कर रहे हैं उसमें हम मुसलमान पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं? क्या हमारे अपने लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं? सिर्फ विरोध के लिए, एक पार्टी के विरोध के लिए हम दूसरी धारा में बहते जा रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो बरेली की घटना है या उससे भी अलग यूपी से, हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारी खबरें आई हैं जब से संसद में ये बिल पास हुआ उसके बाद से भी, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि तलाक को वैसे भी एक ऐसा काम इस्लाम के अंदर माना गया है जो नहीं करना चाहिए, तलाक बिद्दत तो बहुत बुरा है। इसीलिए बीजेपी की मैंने सराहना इसमें की क्योंकि हलाला एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत, मतलब कितना बुरा होता है कि हलाला जी, महिला को आपने तलाक दिया और अगर आप फिर से उसके साथ रहना चाहते हैं तो वो महिला दूसरे के साथ पहले निकाह करे, उसके साथ एक रात गुजारे, उसके बाद फिर से निकाह आपके साथ करे। मतलब तलाक मर्द ने दी, तलाक औरत को मर्द ने दी और सारी सजाएं औरत को ही मिले, दोबारा निकाह भी करे, दूसरे के साथ भी रहे, फिर आपके साथ ही आए। तो किसी न किसी तरीके से इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत तो थी। हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि इस्लाम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या जो काम बुरे हैं उनको रोका नहीं जा सकता? बेशक रोका जा सकता है और रोकना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। एक पार्टी विशेष को विरोध के चक्कर में हम लोग उसके विरोध में चले जा रहे हैं हर चीज़ के। माना कि हो सकता है कि बीजेपी के कुछ राजनीतिक कारण हो इसको करने के, वोट बैंक वो भी साधना चाहती हो, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है, मुस्लिम्स के लिए अच्छा है कि ये तीन तलाक ख़त्म हो जाए, आपकी बेटियों के लिए अच्छा है, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा है। तो क्यों ना हम उस अच्छे काम में अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के साथ चलें। और एक और पहल आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने की है, बनारस में तीन महिलाओं को पेंशन दी गई है, जो तीन तलाक पीड़ित महिलाएँ थीं उनको 500 रुपये प्रति माह वो लोग पेंशन देंगे, और अभी तीन महिलाओं को दी गई है। उनका कहना है कि आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा उसके साथ साथ वो लोग आगे भी जैसे जैसे फंड बढ़ता जाएगा और लोगों को जोड़ेंगे, और जितनी तीन तलाक पीड़ित महिलाएं हैं कोशिश करेंगे कि उनमें ज़्यादातर को वो पेंशन दिला सकें। अच्छी कोशिश है,
अगर ऐसे ही सब लोग मिलकर सोचें उनके बारे में जिनका जीवन बर्बाद हुआ है और आगे जो इसका शिकार हो सकती हैं उनको बचाया जाए, उनके बारे में सोचा जाए तो बेहतर होगा। बाकी इस्लाम को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन इस्लाम में कहीं भी बेटी को सताने का, बीवी को सताने का या बहन को सताने का किसी को हक नहीं दिया गया है, इतना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।